नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। बरसात की शुरू होते ही लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। जलभराव कीचड़ युक्त गली को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हम आपको बताते चले, नगर पंचायत घिरोर में ताहरपुर रोड से नगला किसी जाने वाली सड़क से लगभग 200 मीटर दूरी पर राजाराम के घर तक सड़क कीचड़ युक्त होने के कारण लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत में सड़क न पड़ने के कारण लोगों में कीचड़ युक्त गली से निकलने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कई बार नगर पंचायत में लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन नापतौल हो जाने के बाद सड़क का निर्माण आज दिन तक नहीं हो सका। वर्षा के समय लोगों में कीचड़ युक्त गली से मजबूरन निकलना पड़ता है। वही मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। कशवा के तारपुर रोड नगला किसी स्थित सड़क से राजा राम के घर तक जाने वाली सड़क के लिए लगभग 6 वर्ष से अधिक समय हो गया है। निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए नगर पंचायत में लिखित और मौखिक शिकायत की गई, लेकिन नापतौल होने के बाद टालमटोल कर दिया जाता है। वही लोगों का संदेह है कि कई सड़क कागजों में तो नहीं बन चुकी है। मोहल्ला के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जांच करवाए जाने की मांग व सड़क निर्माण कराए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा क्या बताया गया, आइए सुनिए खबर के जरिए। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमें निकलने के लिए हम देखते हैं, देखो गिर भी सकते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत की कहीं? हाँ, कहीं करी थी, ऑनलाइन करी। हाँ, पोर्टल पर डली है। अरे आज भी हमने, मैंने चेयरमैन से क्या कह दिया चेयरमैन ने? एस्टीमेट बना दिया है, आप पैसा आ जाए तब बनेगा। एस्टीमेट बना दिया है, कह रहे थे। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को कोचिंग देता हूँ। मैं गत वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, लगभग मुझे 6 साल हो गए। यहाँ से लगभग 200 मीटर का ये खरंजा है। लोगों ने कई कंप्लेंट दी हैं, कई बार एसडीओ साहब से कहा, चेयरमैन साहब से कहा, हमने भी ऑनलाइन किया, लेकिन किसी ने यहाँ नहीं सुनवाई की। यहाँ पे इतना जल भरा होता है कि लोगों को, बच्चों को हम मोटरसाइकिल से बाहर निकालते, कोई सुनवाई नहीं होता। और जब भी शिकायत करते तो पता चलता है कि कागज हमें ऑनलाइन बन चुका है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि मेरा ये जो समस्या है हम लोगों की, उसको सॉल्व की जाए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसी स्थिति ना आए कि राम राज्य है तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बस अच्छा, आप लोगों ने पता किया है, क्या पता लग रहा है कि निकल चुका है इसका पैसा? बिल्कुल, मैंने कई बार पता किया है तो ये पता चल रहा है कि कागजों में आपका खरंजा बन चुका है। ये बात किसने कही आपसे? ये बात देखो, आला अधिकारियों से तो पता नहीं चलता है, लेकिन छोटे मोटे अधिकारी हैं उनसे पता चलता है कि सर आपका, कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि आपका खरंजा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ने आते, मैं प्राइवेट टीचर है जी हूँ। उन बच्चों को यहाँ से यहाँ तक निकालने में, आप देख रहे हो सामने, देखो बच्चे यहाँ से गिरते हैं। आप बताओ, बेरोजगारी की स्थिति में अगर मैं अपने घर तक सेफ नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें।